गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सैफ अली खान की आने वाली अपकमिंग कुछ ब्लॉकबस्टर मूवी के बारे में जो काफ़ी रिकॉर्ड कायम करने वाली है। तो नंबर वन पे है सैफ अली खान की मूवी आदिपुरुष। ये मूवी एक एक्शन और वार मूवी होने वाली है। इस मूवी में हमें सैफ अली खान रावण का रोल प्ले करते नज़र आएंगे और साथ ही में इसमें हमें प्रभास भी देखने को मिलेंगे और कृति सेनन और सनी सिंह भी देखने को मिलेंगे, जो प्रभास में राम का रोल कर रहे हैं। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं ओम राउत, तो काफ़ी बेहतरीन डायरेक्ट। पहले जनवरी में 10 जून को रिलीज होने वाली थी, मैं कुछ मेकर्स ने पठान के चक्कर में इस मूवी को जून में रिलीज करने का फैसला कर लिया गया है। 16 जून को 2023 को रिलीज हो रही है। अब जानते पठान की तो अभी तक कमाई कर रही है क्या बढ़िया, तो इसमें काफ़ी इस मूवी को लॉस हो जाता है और जो काफ़ी बड़े बजट की भी मूवी 500 करोड़ के बजट की मूवी, तो इसलिए इस मूवी को अब जून में रिलीज किया जा रहा है और ये सही डिसीजन रहा मेकर्स लोगों का। नंबर टू पे मूवी है गो गोवा गोन 2। ये गो गोवा गोन का सिक्वल होने वाला है। आपको तो मालूम है पहला पार्ट कितना शानदार गया था, कितना मजा आया था। और इसमें स्टार कास्ट की बात कही जाए तो सैफ अली खान के साथ हमें कुणाल खेमू देखने को मिलेंगे, जो पहले पार्ट में भी हिस्सा थे। और सेकेंड इसमें एक न्यू चेहरा आया है वरुण शर्मा, जिनकी कॉमेडी के तो सब कायल है ही। और साथ ही में वीर दास भी आपको देखने को मिलेंगे, जो पहले पार्ट में थे। और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं अपने राज एंड डीके, और ये मूवी अप्रैल तक में रिलीज करने की प्लान चल रहा है मेकर्स का। देखो क्या होता है, राज एंड डीके क्या डायरेक्टर है। अभी आप फर्जी जो प्राइम पे देख ही रखी, विजय सेतुपति और शाहिद कपूर कितनी ब्लॉकबस्टर पता सीरीज चल रही है, मतलब बहुत शानदार बनाई है इनने। तो ये कमाल के डायरेक्टर हैं, तो देखो अप्रैल तक में ये 2023 में रिलीज कर देता है कुछ कारण। थ्री पे है द ब्रिज। ये इसका रिमेक मूवी हाल ही में अनाउंसमेंट की है सैफ अली खान, और सैफ अली खान ने कहा है कि मैं इसको खुद प्रोड्यूस करूंगा। अभी इसका डायरेक्टर प्लान नहीं हुआ कौन है, मगर ये जल्दी होने वाली है। फोर पे द हंटर। हंटर मूवी सैफ अली खान की ये एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसमें क्राइम मूवी भी है, जिसमें हमें सैफ अली खान के साथ आर माधवन देखने को मिलेंगे, जो एक बेहतरीन एक्टर है, और जोया हुसैन भी देखने को मिलेंगी। ये मूवी की अनाउंसमेंट तो हो गई, मगर ये अभी स्क्रिप्ट के पे काम चल रहा है और ये मूवी हमें 2024 के एंड तक में देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक स्क्रिप्ट में लिखने में टाइम लग रहा है इस कारण। नंबर फाइव पे अनटाइटल मूवी अनुराग बासु के साथ सैफ अली खान की। अभी हाल ही में इसका अनाउंसमेंट किया गया, जिसमें सैफ अली खान के साथ आपको सोनाक्षी सिन्हा भी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ आपको अभिषेक बच्चन राजकुमार राव भी देखने को मिलेंगे इस मूवी में। भाई मैं बता रहा हूँ ये मूवी काफ़ी ब्लॉकबस्टर जाने वाली, क्योंकि अभिषेक बच्चन जैसे और राजकुमार राव इस मूवी में जुड़ रहे हैं, तो काफ़ी धमाल होने वाला है। ये मूवी एक क्राइम थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसमें और आपने पहले तो देखा है सोनाक्षी और सैफ अली खान को बुलेट राजा में, जो काफ़ी बेहतरीन मूवी गई थी। तो ये मूवी हमें 2024 के मिड तक में देखने को मिलेगी। तो आपको कौन सी मूवी का इंतजार है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।